आज अयोध्या में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया। इसमें भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा आदि संगठनों का सक्रिय सहभाग एवं समर्थन रहा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष यूनिट के मोर्चा के अयोध्या यूनिट के जिलाध्यक्ष संदीप पाल ने बताया कि काफ़ी समय से पिछड़ा वर्ग के लोगों का सामाजिक व आर्थिक शोषण होता आ रहा है, उनको उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम अपनी कुछ प्रमुख मांगों को लेकर भारत बंद का आह्वान करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास चौधरी जी और उनके इस कार्यक्रम भारत बंद के समर्थन में बाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब ने जाहिर समर्थन किया दिया है और इस समर्थन को बहुजन मुक्ति पार्टी भी उत्तर प्रदेश में, चूंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं बहुजन मुक्ति पार्टी का, इसलिए आज बहुजन मुक्ति पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता आज बड़े पैमाने पर जो है आज इस भारत बंद में सम्मिलित होकर के भारत बंद को सफल करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हमारे साथी ने बताया, युवा प्रदेश अध्यक्ष माननीय नागवंशी जी ने, कि क्या क्या मुद्दे हमारे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।